वेलकम फ्रेंड, टेक हेल्प फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम फिनो बैंक में मॉर्फो डिवाइस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को फिनो बैंक में मॉर्फो डिवाइस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आज आपको एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से देखना तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उसका ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर और आरडी सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, आप उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सीधे आपको ये वेबसाइट पे डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और डैशबोर्ड में आने के बाद ड्राइवर्स पे क्लिक करना है। ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फिनो बैंक मॉर्फो ड्राइवर है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे सारे ड्राइवरों के, कि आप कौन कौन से ड्राइवर इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको मॉर्फो का करना है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से मॉर्फो का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड आरडी सेटअप मॉर्फो, तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। अब हमारा ड्राइवर जो है इस पर इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाने देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मंत्रा ड्राइवर, मंत्रा का सेटअप भी है, साथ में माइक्रो एटीएम सेटअप है, तो बहुत सारे ड्राइवर है। और यहाँ से आप डिवाइस चल रही कि नहीं तो टेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पर दी हुई है। फिनो बैंक में थोड़ा सा छोटा सा सेटिंग है, आपको सेटिंग को जानना है कैसे करते हैं, वरना आपकी डिवाइस उस पर वर्क नहीं करेगी। तो चलिए इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ये देखो फ्रेंड, हमारा आरडी सर्विस यहाँ से डाउनलोड हो गया है, और हम डाउनलोड करने हो गया है तो इसे यहाँ से सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने डेस्कटॉप पे हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। ये हमने अपने डेस्कटॉप में कॉपी कर लिया। अब सिंपली इसको क्या करना है कि आपके पास अगर विनरार सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गूगल में जाकर विनरार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लिए, अगर आपको इस तरह का आइकॉन नहीं आता तो 2-4 MB का सॉफ्टवेयर होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से फाइल सामने आ जाएगी आपके। आप इसको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल। अब देखिए ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट होके ये यहाँ पे आ गई। आप इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। और सिंपली अब क्या करना है, अपने डिवाइस को इंसर्ट करना है, मॉर्फो डिवाइस को वापस सिस्टम में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आरडी सर्विस पे क्लिक करना है, सॉरी मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा जो हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, आरडी सेटअप फॉर सर्टिफिकेशन, आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। और सबसे पहले आपको ये ऊपर की तरफ मॉर्फो ड्राइवर्स दिखाई दे रहा है, आपको उसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। और ये सेटअप है, सेटअप को भी ओपन कर लेना है, और इस सेटअप को यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। सिंपली आपको इधर से रन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास 64 बिट है या 32 बिट है, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि 32 बिट 64 बिट कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली सेटअप से करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चूज कर लेगा कि 32 है या 64 बिट है। तो हम सिंपली यहाँ पे मॉर्फो का USB ड्राइवर जो होता है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल हो जाने दीजिए। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बाकी इंस्टॉल हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। अब डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम सिंपली चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं दिस पीसी में, राइट क्लिक करते हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो यहाँ पे माई कंप्यूटर होगा, और सिंपली सारे ही वही प्रोसीजर रहता है, आप
क्लिक करना है मैनेज पर, और मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजर पर। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है तो इसे ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, और डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको सारे डिवाइस के इंस्टॉलेशन की चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मॉर्फो स्मार्ट सीबीएम लिखकर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका मॉर्फो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। चाहे आप मॉर्फो E2 यूज कर रहे हैं या E3 यूज कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए मैं आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसकी RD सर्विस इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले RD सर्विस करने के लिए हमको क्या करना है, बैक आना है, और देखिए यहाँ पे लिखा है मॉर्फो RD, तो हमको मॉर्फो RD पे क्लिक करना है। और मॉर्फो RD पे क्लिक करने के बाद इसे भी ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। और ये देखिए मॉर्फो RD सर्विस इंस्टॉल हो रहा है, और इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। 25 से 30 सेकंड का समय लेता है और इंस्टॉल हो जाता है। तो मॉर्फो RD सर्विस इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ सेटिंग्स है जिनको आपको करनी पड़ती है, और वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ ड्राइवर और RD सर्विस इंस्टॉल करने से बस नहीं चलेगा। तो इसके बाद जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसको आपको बड़े आराम से बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पे हम गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिनो होस्ट एंट्री दिखाई दे रहा है। आप फिनो होस्ट एंट्री को डबल क्लिक करेंगे तो रन के लिए मांगेगा, आप इसे रन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए विंडोज़ कमांड प्रोसेस आ रहा है, यस कर दीजिए इसे। ये फिनो होस्ट एंट्री जो है उसका सेटअप है, तो वो इस पर इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मॉर्फो ड्राइवर पे क्लिक करना है। मॉर्फो ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटअप आ रहा है। सेटअप पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फिग सेटिंग दिखाई दे रहा है, उसके नीचे है REG। REG पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से रन का प्रोसेस आएगा, आप उसको भी रन कर देंगे। अब उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉन्फिग लाइसेंस, कॉन्फिग लाइसेंस पे आप क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप बड़े आराम से एक स्टेप बाय स्टेप रुककर पॉज करके इसे देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको कॉन्फिग लाइसेंस को यहाँ से कॉपी करना है, हमने ये कॉपी कर लिया। अब आपको चलना है इसके सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ लिख कर आएगा। विंडोज़ में आपको ढूंढना है सिस्टम 32 बिट, नहीं आप सिस्टम 32 बिट में नहीं जाएं, वापस आएं। और वापस आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट एप्लेट्स आ रहा है। आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आप इसको पेस्ट कर देंगे, और देखिए यहाँ पे रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन बोल रहा है, आप इसको यहीं से रिप्लेस कर देंगे। आपका कॉन्फिग लाइसेंस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कट कर देना है और अपने डिवाइस को निकाल के फिर से वापस लगाना है। इसके बाद हम फिर से अपने डिवाइस को चेक करेंगे कि इंस्टॉल हो गया कि नहीं, ये वर्क करेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैप्चर पे क्लिक करना है। कैप्चर पे ये मिल दे रहा है, और यहाँ पे मॉर्फो होस्ट रिसॉल्व पे क्लिक करना है, और एडवांस पे क्लिक करना है, और ये फिनो को यहाँ से प्रोसीड कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपको जो है एक अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। अपने सिस्टम को एक बार हम रिस्टार्ट कर लेते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद
फिर से हम वापस चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं, या फिर आप अपने फिनो बैंक के ईपीएस सर्विस में जाके बैलेंस इंक्वायरी कर चेक कर सकते हैं, तो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि हुआ या नहीं, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि क्या गलती हुई है। बाकी 100% आपका चलने लग जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।